नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम सब इतिहास का अंतिम एंड की ओर है, ठीक ना। चूंकि आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से लेकर और आजादी तक के 1947 तक के इतिहास में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों का क्रमवार तरीके से हम सब अध्ययन करेंगे। आइए शानदार तरीके से श्रृंखला के साथ जुड़िए और उसका भरपूर आनंद लीजिए। चलिए महत्वपूर्ण आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित दूसरे चरण को हम सब देखेंगे। तो उससे पहले अपनी हिंदी, नाम कितना प्यारा सा है, अपनी हिंदी, ठीक ना। और अपनी हिंदी के साथ जरूर जुड़िए, मात्र 299 रुपए में सब पढ़ेंगे सब बढ़ेंगे, ठीक ना। हिंदी एक ऐसा जो कि हमारे 10 राज्यों की मातृभाषा के रूप में या राजकीय भाषा कह लीजिए, राजकीय भाषा के रूप में है। और हिंदी हर एक परीक्षाओं में आपको अनिवार्य है, चाहे वह उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कहीं का भी एग्जाम देने जाएंगे, हिंदी की सबसे बड़ी भूमिका है। और उस भूमिका में हमारी किताब आपके लिए शानदार प्रस्तुति है, ठीक ना। तो इसे जरूर लेने का प्रयास करिएगा। आइए हम सब देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। प्रश्न के अनुसार देखिए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपको जो है कब हुई, यही प्रश्न है, सामान्य सा प्रश्न है, ठीक। तो ये बात याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1987 में, 1986 में, 1988 में या 1985 ईस्वी में, तब बताइएगा कि 1985 ईस्वी में इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई, ठीक ना। इसके संस्थापक कौन थे, संस्थापक बेटा एओ ह्यूम, ठीक ना, एओ ह्यूम साहब जो है, ह्यूम ये संस्थापक है। और संस्थापक अध्यक्ष कौन है, ठीक ना, संस्थापक अध्यक्ष, तब आप जवाब दीजिएगा कि संस्थापक अध्यक्ष आपको जो है डब्ल्यू सी बनर्जी व्योमेश चंद्र बनर्जी जी जो है इसके संस्थापक अध्यक्ष है। इसके अलावा इसकी स्थापना कहाँ हुई, स्थापना आपको कहाँ हुई, तब बताइएगा बंबई के गोकुलदास तेजपात पाल संस्कृत महाविद्यालय में, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में, महाविद्यालय मुंबई या बंबई में हुई, ठीक ना। कुल सदस्य कितने थे, तो सदस्य आपको 72 थे। इसके प्रथम महासचिव कौन थे, तो एओ ह्यूम साहब, ठीक ना, एओ ह्यूम साहब प्रथम महासचिव थे। कोई दिक्कत इतने प्रश्न में, आपको कहीं से किसी तरह के कोई दिक्कत नहीं आई होगी और ये प्रश्न आप आसानी से चीजों को सीख लिए, ठीक ना। तो इस तरीके से आप शानदार तरीके से पढ़ते चलिए। उम्मीद और आशा करता हूं कि आप सबको हर एक बात अच्छे तरीके से समझ में आएगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन थे, अगला प्रश्न बना, ठीक ना। तब आप क्या जवाब देंगे, लॉर्ड लिटन थे, लॉर्ड डफरिन थे, लॉर्ड कैनिंग थे या आपको जो है लॉर्ड रिपन है, तो ये याद रखिए लॉर्ड डफरिन, ठीक ना। यदि आप सबके कार्यकाल को भी जान लेंगे तो भी कर सकते हैं, लॉर्ड डफरिन। अब लॉर्ड डफरिन के समय कौन सी महत्वपूर्ण बातें हुई, तो इन्हीं के समय में आपको इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विश्वविद्यालय की स्थापना एक बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात आप कह सकते हैं कि इन्हीं के समय में आपको जो है कि बंगाल और पंजाब जो है एक्ट आया था, ठीक ना, टेनेसी एक्ट ये भी आया था। लॉर्ड डफरिन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी, भारतीय
राष्ट्रीय कांग्रेस कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज थी, के दिमाग की उपज थी, उपज थी, ऐसा किसने कहा था ये डबल इन्वर्टेड में, तो लाला लाजपत राय ने, लाला लाजपत राय राय द्वारा कहा गया। यदि डफरिन का कार्यकाल देखो तो कार्यकाल इसका आपको जो है 1884 से 1888 ईस्वी तक इसका कार्यकाल आपको देखने को मिलता है। तो ये बातें आप सब देख सकते हो, शानदार तरीके से प्रश्न को कर सकते हो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे, अल्फ्रेड बेब, जॉर्ज यूल, एनी बेसेंट या ए ओ ह्यूम। तो ए ओ ह्यूम जो थे ये महासचिव थे, प्रथम महासचिव, ये याद होगा महासचिव हुए आपको। आपको श्रीमती एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष अध्यक्ष थी, और आपको जॉर्ज यूल ये प्रथम अध्यक्ष बने थे। कहां पे, तो 1888 ईस्वी में ये कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन के अध्यक्षता की थी, इलाहाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। तो ये आसान से प्रश्न आया कि नहीं, एकदम आसान से प्रश्न है, और इन प्रश्नों को आसान तरीके से आप कर सकते हो। नहीं देखो, निम्न में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति की घोषणा की थी। ये बहुत ही आसानदार सा प्रश्न है और ये स्टार मार्क का प्रश्न है। ये प्रश्न जल्दी देखो, वो सारे प्रश्न थे कि 90% लोग जो है इस तरह के प्रश्न का जवाब दे सकते हैं, लेकिन इस प्रश्न का जवाब देने में थोड़ी सी लोगों को कठिनाई होगी। और इस में आपको क्या जवाब देना है, आप क्या कहेंगे तो बताइएगा, कलकत्ता अधिवेशन, गया अधिवेशन, नागपुर अधिवेशन या लखनऊ अधिवेशन। वैसे डेट के साथ देना चाहिए, और नागपुर अधिवेशन 1920, ठीक ना, 1920 इसी अधिवेशन में आपको जो है तय किया गया था, ठीक ना। प्रथम अधिवेशन में कांग्रेस ने रियासतों के प्रति अपनी नीति जो है ये की थी। चलिए, ये आपको जो है इसी अधिवेशन में चित्तरंजन दास ने असहयोग का प्रस्ताव जो है इसी अधिवेशन में सी आर दास द्वारा असहयोग का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, ठीक ना, प्रस्तुत किया गया। क्या गजब का प्रश्न है कि नहीं, ये एकदम शानदार सा, ये भी स्टार मार्क की बात है। ये प्रश्न हमेशा स्टार मार्क लगाइए, ठीक ना, डबल मार्क कर लीजिए, स्टार डबल मार्क का प्रश्न इसे माना जाता है। चलिए अगले प्रश्न को करते हैं। ये देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसके अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, तो वो अधिवेशन इलाहाबाद अधिवेशन 1921, गया अधिवेशन 1922, बेलगांव अधिवेशन 1924 या कराची अधिवेशन 1923। तब आप बताइएगा बेलगांव, एकदम शानदार सा आप सबका जवाब रहा, बेलगांव अधिवेशन 1924 एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। वैसे यहाँ पे स्टार मार्क कर लो और नोट कर लो बेटा, ठीक ना, यहाँ नोट कर लेना और नोट में लिखना कि 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में, कलकत्ता बहुत कम लोग जानते हैं, ठीक ना, कलकत्ता अधिवेशन में गांधी जी ने सर्वप्रथम भाग लिया था, ठीक ना, ये सब बात याद रखिए, भाग लिया, ये बस
जो प्रश्न परीक्षा के लिए ये स्टार मार्क के प्रश्न है और इन्हें नोट कर लीजिए। गांधी जी 1901 कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार भाग लिए थे और आपको जो है एकमात्र अध्यक्षता किसमें किए थे, तो बेलगांव अधिवेशन थे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? देखिए यह भी प्रश्न बहुत ही शानदार सा प्रश्न है। जेबी कृपलानी, महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी तो बाहर हो गए, सरदार पटेल या जेएल नेहरू, तो बताइएगा कि आचार्य जेबी कृपलानी यह भारत के स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में थे, ठीक ना? तो ये बातें आप याद रखिए। ये सरदार पटेल ने 1931 के कराची अधिवेशन के अध्यक्षता की थी, कराची, ठीक ना, कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, ये बात याद रखिए। कराची अधिवेशन 1931 और इसी अधिवेशन में पहली बार मूल अधिकार जो है प्रस्तुत किया गया था कांग्रेस के द्वारा। नेक्स्ट, के निम्न में से कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे? तो जीके गोखले, अबुल कलाम आजाद, दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू, तो ये अबुल कलाम साहब थे, ठीक ना? अबुल कलाम साहब ये अध्यक्ष जो 6 वर्षों तक लगातार 6 वर्षों तक कब से कब तक थे, तो 1940 से लेकर 1946 ईस्वी तक ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में रहे। ये कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष, कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष, ये भी याद रखिए, सबसे युवा अध्यक्ष के रूप में यही आपको मनोनीत हुए थे, ठीक, ये बातें हुआ। अब दादा भाई नौरोजी, इन्होंने कांग्रेस की 3 बार अध्यक्षता की, 3 बार अध्यक्ष बने, ये भी आप याद रखिए। 3 बार अध्यक्ष कब कब, तो 1900 आपको जो है कि 1987, ठीक ना, 1986, 1993 और 1800, ठीक ना, ये 1886, 1893 और 1906, ये सभी अधिवेशनों की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट, अगले प्रश्न को देखते हैं। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ये डक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना ये सर्वप्रथम यदि देखा जाए तो बीजी तिलक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? बीजी तिलक के द्वारा डक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना आपको जो है की गई थी, ये याद रखिएगा, डक्कन एजुकेशनल सोसाइटी, ठीक, तो ये याद रखिए। वैसे एमजी रानाडे के द्वारा भी आपको किया गया था, लेकिन आपको जो है बीजी तिलक के द्वारा सर्वप्रथम इसकी आधारशिला रखी गई थी। कहीं कहीं आपको जब 1984 मिलेगा तो 1984 में इसकी स्थापना इनके द्वारा किया गया और 1880 में आपको जो है इनके द्वारा आधारशिला रखी गई थी, ठीक। तो ये विवादास्पद प्रश्न है, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी, बीजी तिलक, ठीक, याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस कितने वर्षों तक शासन के? तो 1937 का ये 28 महीने, 29 महीने, 30 महीने या 31 महीने, तो आप बताइएगा 1937 के प्रांतों में प्रांतों का चुनाव किसके आधार पर हुआ? तो 1935 के अधिनियम के तहत, 35 के अधिनियम के तहत, के तहत इसका चुनाव संपन्न हुआ। कुल पूछे कितने प्रांतों में हुआ, तो कुल 11 प्रांतों में हुआ, प्रांतों में हुआ। 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी, 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी, के मिलीजुली सरकार बनी, मिलीजुली सरकार बनी, याद रखिए बनी। और लगभग आपको कितने महीने के उपरांत आपको जो है कांग्रेस मंत्रिमंडल के द्वारा
त्याग पत्र दे दिया गया तो बताइएगा 28 महीने के उपरांत आपको त्याग पत्र दे दिया जाता है, ठीक ना। तो ये आप सब शानदार तरीके से इस तरह के प्रश्नों को कर सकते हैं और उम्मीद आशा करते हैं कि सभी लोग सही जवाब भी दे रहे होंगे। 1942 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्तावित किया गया था? 1942 ये प्रस्तावित किसने? जवाहरलाल नेहरू ने, आचार्य नरेंद्र देव ने, राजेंद्र प्रसाद ने या जेबी कृपलानी ने? किसके द्वारा आपको जो है ये प्रस्ताव रखा गया था? तब क्या जवाब देंगे? तो आसान सा प्रश्न है और आसान सा जवाब है कि आंदोलन का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था। अब 1942 बंबई अधिवेशन, ये बातें, ये बंबई अधिवेशन कहां हुआ था? तो ये बंबई में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष आपको जो है अबुल कलाम आजाद साहब हैं, ये सबको पता है। ये आपको भारत छोड़ो आंदोलन ये कब हुआ? तो 8 अगस्त 1942 बंबई के ग्वालियर टैंक में गांधी जी ने इसी तिथि को करो या मरो के साथ, करो या मरो, डू एंड डाई के साथ आंदोलन को शुरू करने का आपको जो है आदेश करते हैं या जनता से अपील करते हैं, डू एंड डाई, ठीक ना। तो ये बातें, भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी इसे हम सब जानते हैं। नेक्स्ट, नितिन सर के द्वारा, नितिन के सर के साथ शानदार तरीके से आप जुड़ सकते हैं और हिंदी व्याकरण अद्भुत तरीके से पढ़ाए हैं, ठीक ना। वैसे भी आप सबको पता है कि हिंदी के बादशाह मैं कहता हूं इनको और है भी हिंदी की बादशाह, तो एकदम शानदार तरीके से आप नए बच के साथ जुड़िए और इसका भरपूर लाभ लीजिए, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए, 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित करके स्वराज सभा रखा? ये 1920 में किसने अपना नाम परिवर्तित करके स्वराज सभा, ये स्टार मार्क का प्रश्न है, ठीक ना बेटा, ये स्टार मार्क का प्रश्न है, ये लगा लीजिएगा स्टार मार्क। ऑल इंडिया होम रूल लीग ने, हिंदू महासभा ने, साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन ने या द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी ने, किसने? तब इस प्रश्न का देखो जरा सा किसका किसका कितना दिमाग काम करता है, ये सब देखते रहिए। और 100% मैं बता रहा हूं कि 90% लोगों ने अपना गलत जवाब दिया होगा, ठीक ना। तो ऑल इंडिया होम रूल लीग ने अपना नाम परिवर्तित करके स्वराज सभा रखा, ठीक ना। भारत में होम रूल की शुरुआत करने का श्रेय किसे है? तो श्रीमती एनी बेसेंट को है और एनी बेसेंट ने मद्रास के अड्यार से आपको होम रूल की शुरुआत की थी। नेक्स्ट, अब यहीं पे गांधी इरविन समझौता, सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्रिप्स मिशन, ये आपको जो है कूट का सही प्रयोग करते हुए आपको जवाब देना है, ठीक ना। तो इस कूट का सही प्रयोग करते हुए सविनय अवज्ञा आंदोलन ये कब शुरू हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको एक तरह से कह सकते हो कि 1923 में, अभी देखते हैं, गांधी इरविन समझौता 1931, 5 मार्च 1931। आपको जो है क्रिप्स मिशन 1942 और पूना पैक जो है 1932, ये पूना पैक है, ठीक ना, पूना पैक। तब आप जो है लगा सकते हो आसानी से सविनय, यहां पे गलत है बेटा, सविनय ये गलत है, सविनियन नहीं सविनय, ये मिटा लेना, ठीक ना, ये सविनय नहीं, सॉरी, ठीक। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो बताइएगा 1923 में।
इस तरह से पहले का चौथा, चौथा चौथा, फिर इसके बाद 30 के बाद आपको दूसरा दूसरा दूसरा, वेरी गुड, फिर आपको जो है पहला, फिर आपको तीसरा, यानी ऑप्शन संख्या 3 इज योर राइट आंसर, 3 जो है ये विकल्प बिल्कुल सही है, ठीक ना। किसी को कोई देखा नहीं, किसी को नहीं ना, चलिए आगे चलते हैं। The rise and growth of economical nationalism, nationalism, ये आधा जर्म, nationalism, ठीक ना, nationalism नहीं होता, nationalism in India के लेखक कौन है, पार्थ सारथी गुप्ता, यस गोपाल, बी आर नंदा या विपिन चंद्रा, इसके लेखक कौन है, ये स्टार दे दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और स्टार मार्क का ये मैं चैलेंज करता हूं कि 10-5 तो सही हो सकते हैं लोग, लेकिन 90% लोगों के गलत जवाब होंगे। और विपिन चंद्रा के द्वारा द राइजिंग एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिकल नेशनलिज्म इन इंडिया, ये रचना विपिन चंद्र पाल, विपिन चंद्र के द्वारा आपको किया गया है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, शिशिर कुमार घोष द्वारा वर्ष में इंडियन लीग की स्थापना की गई, जिसका उत्तराधिकार बाद में कलकत्ता के इंडियन एसोसिएशन ने हासिल कर लिया था। ये आपको इंडियन लीग की स्थापना कब किया गया तब बताएगा, 1875 ईस्वी में इंडियन लीग की स्थापना, यहां कर लो 1875, ये भी आपको जो है स्टार मार्क का प्रश्न है, ये याद रखना, बहुत लोग गलती करेंगे और आरओ यारो और इस समय इस तरह के प्रश्न बड़े शानदार तरीके से पूछे जाते हैं, ठीक ना, काम आपका है, पढ़ना आपको है। नेक्स्ट देखो बेटा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन हुआ, तो प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट अबुल कलाम आजाद, रफीक अहमद किदवई या ए एम ए अंसारी, बद्रुद्दीन तैयब जी, तो बताइएगा बद्रुद्दीन तैयब जी आपको पहले अध्यक्ष थे, और ये कब अध्यक्ष बने, तो 1887 मद्रास अधिवेशन के अध्यक्षता की, ठीक ना, मद्रास अधिवेशन के अध्यक्षता इन्हीं के द्वारा किया गया, तो ये प्रश्न आप एकदम याद कर लीजिए, बद्रुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्न में से किसने वायसराय के कार्य परिषद से त्याग पत्र दे दिया था, रविन्द्रनाथ टैगोर, रविंद्र बेटा, रविंद्र ऐसे नहीं, रविंद्र ऐसे होता है, ठीक ना, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, मदन मोहन मालवीय ने, सर शंकर नायर ने या उपयुक्त तीनों ने, तो सर शंकर नायर, शंकरन नायर है, शंकर नायर ने आपको जो है वायसराय के कार्यकारिणी से त्याग पत्र दे दिया था, ये बात याद रखिए। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि, नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी, ठीक ना, उपाधि वापस कर दी थी, ये याद रखिए, कर दी थी, तो ये महत्वपूर्ण बातें, तो ये सब बात आप याद रखिए, सर शंकर नायर के द्वारा वायसराय के कार्यकारिणी से आपको त्याग पत्र लगा दिया गया था। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की, यही 1940 के लाहौर अधिवेशन में ही द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया गया था, ठीक ना, द्विराष्ट्र सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, ठीक ना, ये याद रखिए। और इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा किया गया था, यद्यपि इस अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग नहीं की गई थी, ठीक ना, तो मोहम्मद अली जिन्ना लगाइएगा, यही आपको अध्यक्ष थे, ये लियाकत नहीं, लियाकत अली। नेक्स्ट देखिए, होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो होम रूल लीग यहां पे आपको श्रीमती एनी बेसेंट भी हैं, बीजी तिलक भी हैं, दोनों ऑप्शन में हैं, एसएस बनर्जी भी हैं, तब आप इस प्रश्न को थोड़ा सा कठिन है, ठीक ना, थोड़ा सा ये प्रश्न कठिन है, और आप इस प्रश्न में लगाएगा होम रूल लाने का श्रेय आपको किसे है, श्रीमती एनी बेसेंट को, ये प्रश्न ही गलत है, लेकिन जो नियरेस्ट आंसर है वो ए होगा, ठीक ना, ये
होम रूल लेग लाने का, होम रूल आंदोलन को भारत में लाने का श्रेय, को भारत में लाने का श्रेय इन्हें ही है, ठीक ना। इसी कारण श्रीमती एनी विसेंट इसका जवाब लगाइएगा। वैसे श्रीमती एनी विसेंट एवं बीजी तिलक, ठीक ना, बीजे तिलक, ये दोनों को देना चाहिए, ठीक। तो ये विद्यार्थी लोग, बहुत लोग कंफ्यूज हो गए होंगे। ऐसी स्थिति में होम रूल के स्थापना जो है ये किसके द्वारा की गई, तो श्रीमती एनी बेसेंट को लाने का श्रेय है। इसलिए आयोग ने आंसर को, आयोग ने आंसर चार को माना। नेक्स्ट देखिए, भारत में पहली बार जन गण मन कब गाया गया, तो पहली बार 1911 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में जन गण मन गाया गया। ये जन गण मन ये आपको किसकी रचना है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित, रविन्द्रनाथ टैगोर, टैगोर द्वारा रचित, द्वारा रचित ये आपको माना जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसकी रचना आपको की है, ये बात याद रखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ये लिखा गया है। तो ये शानदार सा प्रश्न है, आप इसे शानदार तरीके से कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते। अगला प्रश्न, 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस विभाजन के दौरान निम्न में से कौन अध्यक्ष थे। तो 1907 के सूरत विभाजन, ये कांग्रेस की प्रथम फूट, ठीक ना, कांग्रेस की प्रथम फूट के, प्रथम फूट के नाम से इसे जानते हैं, या कांग्रेस का प्रथम विभाजन इसे कहा जाता है। तो इस तरह से आप देखोगे तो रास बिहारी बोस जो है यह आपको कांग्रेस के विभाजन के समय पहले अध्यक्ष के रूप में थे, जिनके समय में कांग्रेस का विभाजन हुआ। नेक्स्ट देखिए, आपको यूजीसी ने पेपर वन कंप्लीट कोर्स मात्र और मात्र कितने में, तो 999 रुपए में आपको शानदार से प्रश्नों के श्रृंखला दी जा रही है और शानदार तरीके से पढ़ाया गया है। ये उन विद्यार्थियों के लिए बड़ा ही रामबाण की तरह सहायक होगा जो यूजीसी परीक्षा को उत्तीर्ण कहना चाहते हैं और थोड़े थोड़े मार्क से पीछे हो जा रहे हैं, ठीक ना। क्योंकि फर्स्ट पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें ही लोग मार्क्स कम पा जाते हैं, ठीक ना, तो जिसके कारण मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाते हैं। निम्न में से कांग्रेस के किस अधिवेशन का नेतृत्व दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। मैंने आपको बताया था कि दादा भाई नौरोजी ने आपको 1893 के लाहौर अधिवेशन, इसके अलावा 1800 आपको जो है 86 के कलकत्ता अधिवेशन, ये भी याद कर लो, और 1906 के कलकत्ता अधिवेशन, ठीक ना, अधिवेशन के अध्यक्षता भी दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया है। तो इन तीन अधिवेशनों के अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी। तो कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष बेटा ये कौन बने, श्रीमती एनी बेसेंट, 1917 कलकत्ता अधिवेशन, ठीक ना, ये याद रखिए, कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्षता श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। तो इस तरह से प्रश्न को आप सबने किया। अगले प्रश्न को देखिए, सरोजिनी नायडू को कांग्रेस के किस अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था। तो ये प्रश्न में सरोजिनी नायडू ये कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, ठीक ना, महिला अध्यक्ष के रूप में ये चुनी गई थी और इनका चयन 1925 कानपुर अधिवेशन, एकदम शानदार सा आप सबका जवाब है, 1925 के कानपुर अधिवेशन के अध्यक्षता सरोजिनी नायडू जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, राष्ट्रीय योजना कमेटी, ये राजस्थान आपको पीजीटी में पूछा है, कमेटी की स्थापना निम्न में से किसकी अध्यक्षता में किया गया, ये आपको अध्यक्षता में किसके अध्यक्षता में, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में आपको इसकी स्थापना किया गया था।
राष्ट्रीय योजना समिति के स्थापना जो है ये आपको किसके स्थापना किसमें, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये राष्ट्रीय योजना कमिटी का गठन कब हुआ, 1938 हरिपुरा में, कहां पे, हरिपुरा में, ये याद रखिए 1938 हरिपुरा। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो अधिवेशन की अध्यक्षता आपको यस्सी बोस ने की थी, ठीक ना, अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस, यस्सी बोस के द्वारा किया गया था, तो ये बात भी याद रखिए, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान समाजवादी कांग्रेस की स्थापना किया गया, तो समाजवादी कांग्रेस मुंबई अधिवेशन 1934, ठीक ना, मुंबई अधिवेशन 1934 में आपको जो है इसके स्थापना किया गया था, एकदम शानदार। इन सभी प्रश्नों को याद रखिए, ठीक ना, ये सभी वीवीआई, ये आपको डबल स्टार प्रश्न है, ये डबल स्टार प्रश्न है, बड़े बड़े दिग्गज इसमें गलतियां कर जाते हैं बेटा, ये इस तरह के प्रश्नों को करने में, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए, भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को 1885 से 1905 क्या कहा जाता है, तो इसे आरंभिक चरण के नाम से जानते हैं, ठीक ना, ये आपको भारतीय राष्ट्रवाद के पहले प्रारंभिक चरण को भी कहा जाता है, तो ये आरंभिक चरण, ठीक ना, क्योंकि कांग्रेस के आपको तीन चरण है, ये प्रथम चरण है, दूसरा चरण 1905 से 1920 ये आपको द्वितीय चरण या मध्यम चरण या आपको राष्ट्रवाद, ठीक ना, राष्ट्रवाद का चरण कहते हैं। और 1920 से आपको 1947 तक इसे गांधी युग कहते हैं, ठीक ना, गांधी युग के नाम से जाना जाता है, और ये उदारवादी युग, उदार युग, ठीक ना, उदार युग के नाम से इसे जानते हैं, तो ये शानदार तरीके से आप प्रश्न को कर सकते हैं। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने निम्न में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना, तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, और दादा भाई नौरोजी ये आपको इनके विषय में भी कहा जाता है, तो ये किसके गुरु थे, ये तो क्या नाम है, बीजी तिलक के राजनीतिक गुरु, ठीक ना। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो एम जी रानाडे और इनके गुरु थे, ठीक ना, इनके राजनीतिक गुरु थे, तो ये सभी बातें राजनीतिक गुरु, ये सभी बातें याद रखिए, ठीक, सब बातों को याद रखिए शानदार तरीके से। नेक्स्ट देखिए, महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज यस सफारी द्वारा अफ्रीका कब पहुंचे, ठीक ना, कब पहुंचे या अफ्रीका के किस स्थान पर पहुंचे, ये प्रश्न हो सकता है, किस स्थान पर, तो डरबन में आपको जो है पहली बार डरबन पहुंचे थे, ये स्थान के कर लोगे तो डरबन पहुंचे थे, ठीक ना, डरबन में गांधी जी पहली बार अफ्रीका पहुंचे ऐसे सफारी नामक जहाज से। गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ, तो दांडी मार्च जो है 12 मार्च 1930 ईस्वी को प्रारंभ हुआ, और आपको जो है ये प्रारंभ हुआ, ठीक ना, दांडी कहाँ है, ये दांडी नौसारी, ये दांडी कहाँ है, नौसारी गुजरात में आपको है, ठीक ना, ये, और लगभग आपको जो है 24 दिनों के पद यात्रा के उपरांत 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून को तोड़ा, क्या किए, नमक कानून को तोड़ा, कानून तोड़ा, ठीक ना, एक घंटे में जबरदस्त तरीके से आप सब रिवीजन के तौर पर देख सकते हो। नेक्स्ट, चलिए एक बार क्लास को सभी लोग लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए, ठीक ना, ये महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया, तो सुभाष चंद्र बोस ने आपको टोकियो से, ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा राष्ट्रपिता का संबोधन किया जाता है, और स्वतंत्रता की अंतिम लड़ाई में राष्ट्रपिता, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं, आपका साथ मांगता हूं, ऐसी बातें सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था।
नेक्स्ट देखिए, वीडियो री एग्जाम शानदार तरीके से टॉप 15 मॉक टेस्ट हमारी संस्था की ओर से संचालित है, आप इसे परचेज कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अगले प्रश्न में रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? अभी ही मैंने बताया था, जलियांवाला बाग नरसंहार कांड 1919, ठीक ना, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को यही नरसंहार के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा आपको नाइटहुड की उपाधि त्याग दी गई थी। चौरी चौरा की घटना किसके कारण गांधी जी ने अपना असहयोग जो है बंद करना पड़ा? तो ये चौरी चौरा घटना ये कब घटित हुआ था बेटा? तो 5 फरवरी 1922 को ये घटना घटित हुई थी। और ये कहाँ है? तो गोरखपुर में है। कहाँ पे? गोरखपुर में चौरी चौरा नामक स्थान है, जिसमें उग्र भीड़ ने 22 पुलिस कर्मचारियों को जिंदा जला दिया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? अगस्त कथन के विरुद्ध, गवर्नमेंट सम्मेलन के विरुद्ध, विंस्टन चर्चिल की प्रतिक्रियावादी, या नमक कर के विरुद्ध? तो नमक कर के विरुद्ध आपको जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक कर के विरुद्ध प्रारंभ हुआ था, ठीक ना। तो शानदार तरीके से आप सभी लोग सभी प्रश्नों के जवाब दे रहे हैं, देख भी रहा हूं। ये देखिए, निम्न में से कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? श्रीमती एनी बेसेंट, ये आपको जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन। इसके अलावा आपको महात्मा गांधी, याद रखिएगा, महात्मा गांधी आपको जो है ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग सर्वप्रथम लिए थे, ये याद रखिए। वैसे आप सबको बहुत कम लोग बताते होंगे कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में तीन व्यक्तियों ने भाग लिया था। ये तीन व्यक्ति मैं आपको बता देता हूं। एक बी आर अंबेडकर को तो सब लोग जानते हैं, अंबेडकर साहब को ये सभी लोग आप सब जानते हैं। और दूसरे तेज बहादुर सप्रू थे। कौन थे? टीबी सप्रू या तेज बहादुर सप्रू, ये भी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में, लेकिन ये अपने पैसे पर भाग लेने वाले व्यक्ति थे। और गोलमेज सम्मेलन में एकमात्र महिला सरोजनी नायडू है, ठीक ना, सरोजनी नायडू, ये सरोजनी, सॉरी, ये सरोजनी नायडू, ठीक ना, ये भी तीनों गोलमेज सम्मेलन में, नायडू तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेती हैं, लेकिन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में आपको महात्मा गांधी की सलाहकार के रूप में ये भाग लेती हैं। तो ये तीन व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलनों में, ये बहुत माइनर लोग, 1-4% लोग बताते हैं, लेकिन यहाँ पे चूंकि आप आरो यारो और शानदार तरीके से श्रृंखला है, तो आपको इन सभी प्रश्नों को जानने की जरूरत है। अगले प्रश्न को देखिए, यह कहता है जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब शामिल हुई थी? तो अंतरिम सरकार बेटा है, ठीक ना, अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था ये आप सबको पता होना चाहिए। तो घोषणा बेटा 24 अगस्त आपको 1946 ईस्वी को अंतरिम सरकार की घोषणा हुई, और 2 सितंबर 1946 को 13 मंत्रिमंडलीय सदस्यों के साथ शपथ ली गई। ये क्या है? तो शपथ की बात है, ठीक ना, ये शपथ। लेकिन कांग्रेस अभी मुस्लिम लीग के द्वारा विरोध किया जाता है, लेकिन अब चुलबुली, शासन सत्ता की चुलबुली काटने लगी। ऐसी स्थिति में 24 अक्टूबर 1946 ईस्वी को आपको जो है अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग भी शामिल हो गई। अगले प्रश्न को देखिए, मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की गई थी। तो ये पाकिस्तान की मांग नहीं की गई थी, लेकिन सीधे तौर पे लोग कहते हैं ये पाकिस्तान की मांग न करके बल्कि द्विराष्ट्र की मांग, द्विराष्ट्र सिद्धांत जो है, द्विराष्ट्र की मांग सिद्धांत जो है ये किया गया था 1940, जिसकी अध्यक्षता जिन्ना द्वारा किया गया था। जिन्ना अध्यक्ष थे, ये बातें भी आप याद रखिए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, ये महात्मा गांधी किस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिए? तो सब बच्चे को पता है, ये तो घेलुआ वाला प्रश्न है। और भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 ईस्वी को गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया, लेकिन मरो नहीं मारो, मरो नहीं
मारो का नारा किसने दिया, मारो का नारा, ठीक ना, मारो का नारा किसके द्वारा दिया गया, तब आप क्या जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में, आप सवाल को बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक ना, मरो नहीं मारो का नारा। किसने घोषणा की कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी, ये विंस्टन चर्चिल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वेविल, वेविल ने, वेविल, क्लीमेंट एटली, किसने यह घोषणा आपको की थी, तब बताएगा ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली, ये स्वतंत्रता के समय, स्वतंत्रता के समय, के समय ब्रिटिश पीएम थे, ठीक ना, ब्रिटिश पीएम, ब्रिटिश पीएम, ये याद रखिए, और ये लेबर पार्टी की, लेबर पार्टी के, लेबर पार्टी के अध्यक्ष जो थे, लेबर पार्टी के थे, के थे, ये याद रखिए, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के स्थापना या आजाद हिंद सरकार की स्थापना की थी, ये नेताजी द्वारा आजाद हिंद सरकार की स्थापना अक्टूबर 1943 ईस्वी में की गई थी, ठीक ना, अक्टूबर 1943 सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट देखिए, जॉन मार्ले द्वारा तैयार किया गया मार्ले मिंटो सुधार निम्न में से किस वर्ष अधिनियमित किया गया, तो मार्ले मिंटो सुधार 1909, इसी में सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता का बीजारोपण, सांप्रदायिकता का बीजारोपण यहीं से हुआ, ठीक ना, बीजारोपण, रोपण आपको इसी में किया गया, ये बात में याद रखिए, ठीक। नेक्स्ट देखो, ये नितिन सर के द्वारा हैंडरिटन नोट्स है, शानदार तरीके से पढ़ाया गया है, इसे आप पढ़ सकते हैं और अपने शानदार तैयारी को जारी रख सकते हैं। अगले प्रश्न को देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय एवं अंतिम, प्रथम भारतीय एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, लॉर्ड माउंट, माउंट नहीं बेटा, माउंट बैटन, ये आपको जो है प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक ना, गवर्नर जनरल आपको यही रहते हैं, ये बात भी याद रखिए, प्रथम गवर्नर जनरल। नेक्स्ट देखिए, भारत के किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहते हैं, तो आपको जो है लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन इसकी शुरुआत कब हुई, तो 1882 में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की गई। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्न में से स्वतंत्र समाचार पत्रिका के संपादक कौन थे, तो स्वतंत्र समाचार पत्रिका के संपादक मोतीलाल नेहरू, ठीक ना, मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वतंत्र नामक समाचार, इंडिपेंडेंट बोलते हैं, समाचार पत्रिका का संपादन किया गया। भारत में वंदे मातरम पत्रिका का संपादन किसने किया, तो वंदे मातरम पत्रिका का संपादन अरविंद घोष के द्वारा किया गया, ठीक ना, ये 1906 में कलकत्ता से इसका संपादन किया गया, तो ये बात भी याद रखिए, ठीक ना, और किस भाषा में, तो अंग्रेजी भाषा में ये संपादित हुआ, ठीक, ये बात है। वैसे वंदे मातरम पत्रिका का संपादन कई लोगों ने किया है, उर्दू में वंदे मातरम पत्रिका का संपादन 1920 में बंबई से लाला लाजपत राय के द्वारा भी किया गया है। नेक्स्ट देखिए, भारत कोकिला किसे कहते हैं, तो भारत कोकिला ये आपको सरोजनी नायडू को कहते हैं, लता मंगेशकर को स्वर कोकिला कहते हैं, क्या कहते हैं, स्वर कोकिला के नाम से जानते हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी को आपको जो है क्रांति पुत्री, क्या कहते हैं, क्रांति पुत्री, इसलिए कहते हैं कि 1917 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, ठीक ना, ये पीटी उषा उड़न परी है, क्या है, उड़न परी, उड़न परी, इन्हें उड़न परी भारत का कहते हैं, तो इस तरह से आप देख सकते हो। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया था, किसके द्वारा, भगत सिंह के द्वारा, सेफ्टी बिल पास होते समय जब इन्होंने 1929 ईस्वी में बम फेंका, तो उसी समय इन्होंने इनकलाब जिंदाबाद दिया, इनकलाब जिंदाबाद का शाब्दिक अर्थ है क्रांतिकारी अमर रहे। नेक्स्ट, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित हुआ, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 ईस्वी में आपको बीएचयू की स्थापना हुई, इसके संस्थापक मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय, ठीक ना, मोहन मालवीय द्वारा
मालवीय द्वारा इसकी स्थापना की गई। तो ये बात भी आप याद रखिए, मदन मोहन मालवीय साहब इसके संस्थापक। नेक्स्ट, अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और शिक्षाविद के एम मुंशी ने निम्न में से किस संगठन की स्थापना की? तो के एम मुंशी के द्वारा भारतीय विद्या भवन की स्थापना किया गया था। किसकी? भारतीय विद्या भवन की स्थापना आपको के एम मुंशी द्वारा किया गया था, ये याद रखिए, भारतीय विद्या भवन। नेक्स्ट देखिए, 1927 में महाराष्ट्र में महा सत्याग्रह किसने आरंभ किया? तो ये बी आर अंबेडकर के द्वारा महा सत्याग्रह के शुरुआत 1927 ईस्वी में किया गया। तो ये शानदार तरीके से इस तरह के प्रश्नों को आप सब कर रहे हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, ये किस सामाजिक सुधारक और राजनेता को प्यार से बाबा साहब कहा जाता है? तो प्यार से बाबा साहब अंबेडकर जी को कहा जाता है। तो इस तरह आप सबने देखा कि शानदार हम लोग प्रश्नों की श्रृंखला को एक घंटे के भीतर हम सबने जबरदस्त तरीके से किया। आपको अपने हिंदी शानदार तरीके से इसे लेना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और आप सबके लिए जबरदस्त बेनिफिशियल आपको मिलेगा, ठीक ना। तो एकदम जो है हिंदी को परिचित करिए, भरपूर फायदा उठाइए और अपनी किस्मत को चमकाइए। इन्हीं शब्दों के साथ आपको आज की श्रृंखला समाप्त हुई। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।